बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा आज का लेक्चर डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी कन्वर्जन पर है और हमारे पास जो नंबर है जिसको हमने कन्वर्ट करना है वो 7.703125। इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अगर आप नंबर को देखें, हमारे पास नंबर जो डेसिमल पॉइंट है इसके एक साइड पे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर है, तो इसको आप अलग अलग नंबर कंसिडर करें, इसको आप अलग नंबर कंसिडर करें और इसको अलग नंबर। अगर ये 0.070 होता तो फिर ये इसको एज अ होल आप कंसिडर करते, लेकिन ये 7 पॉइंट है या 1, अगर 0 से ऑनवर्ड कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड जो भी हो, इसको आप अलग नंबर कंसिडर करें और इसको आप अलग से सॉल्व करें। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 7 को हम नॉर्मली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तो बड़ा आसान तरीका है कि 7 को 2, 3, 2 6, तो 1 रिमेनिंग है एंड देन 2, 2, 2, तो हमारे पास जो नंबर आया वो है 111 बाइनरी में। अगर आप 7 डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 111। अब जो हमारे पास सेकंड टर्म है उसके लिए तो आप ये करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो है 0.703125। ये नंबर आप लें, आप इसको सिंपली भी लिख सकते हैं 0.703125, लेकिन बेटर है कि आप 0.703125 लिखे, इसको आप टाइम्स करें 2 के साथ, और इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो नंबर इज़ 1.40625। आप यहाँ पे लाइन लगा दें, ये जो 1 को आप रहने दें इस साइड पे और ये टर्म दोबारा उठाएं 0.40625, इसको अगेन आप 2 से टाइम करें एंड दिस टाइम यू माइट गेट 0.8125। इस 0 को आप यहाँ लिख दें और 0.8125 ले, इसको अगेन 2 से टाइम और दिस टाइम यू कैन गेट 1.625। 1 को आप यहाँ रहने दें एंड 0.625 अगेन आप टाइम करें 2 के साथ एंड आप 1.25, 1 को आप यहाँ रहने दें एंड 0.25 को आप टाइम्स करें 2 के साथ एंड दिस टाइम यू माइट गेट 0.5 अगेन 0 एंड 0.5 को 2 के साथ आप टाइम करें तो आपके पास नंबर आ जाता है 1। सो 1 को आप यहाँ रहने दें, आगे कोई नंबर नहीं है सो आपको दोबारा से मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो नंबर आया है वो है 7 के लिए हमने 111 पॉइंट और फिर हमारे पास ये नंबर है 101101, तो उस नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अच्छा, हम कितनी आइट्रेशन करेंगे तो वो डिपेंड करता है, 5 to 6 मेरे ख्याल में बेहतर रहेंगी। अगर आपके पास नंबर कन्वर्ज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास 1 आ जाता है तो फिर आप मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली 1 आ जाता है तो फिर आप स्टॉप करें, मतलब 1.23 ना हो बल एग्जैक्टली 1 हो, तो फिर तो वो क्राइटेरिया कि आपने हर हाल में स्टॉप करना है। इसके अलावा अगर आपके पास 5-6 आइट्रेशन के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 1.25 आया, दोबारा से 1.25 आए, तो आप वहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू।